Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut जिले में इन दिनों भाजपा चर्चा में है। मेरठ बार एसोसिएशन के निष्कासित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता के बाद अब दूसरा मामला उछलकर सामने आ गया है। भाजपा से जुड़ी महिलाओं के व्हाट्सएप पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। छावनी मंडल की तमाम व्हाट्सएप चैट में महिलाएं यह लिखती हुई नजर आ रही हैं कि क्या अब इसकी ही कमी रह गई थी। पीड़ित महिला का कहना है कि किसी और की आपत्तिजनक वीडियो को उसका बताकर उसे बदनाम किया जा रहा है। दिलचस्प तथ्य यह है कि इस महिला को मानसिक तनाव देने वाले कोई और नहीं भाजपा से जुड़े लोग ही हैं। इनमें से एक मेरठ के वार्ड 18 से भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह है, जबकि दूसरा गुजरों की राजनीति करने वाला रविंद्र नागर। दोनों ही के खिलाफ अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस ताजातरीन मामले ने भाजपा को दो फाड़ कर दिया है। एक बड़े वर्ग की सहानुभूति जहां पीड़ित महिला के साथ है, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो सहबराधी के चलते दोनों युवकों की बचाने की जुगत में है। पहले बात करते हैं अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता की। आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद बुजुर्ग अधिवक्ता की पोल खोल देने वाली एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रही हैं। एक वीडियो में वह गिना रहे हैं कि अब तक कितनी महिला सहायकों के साथ उसके शारीरिक संबंध रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में भाजपा के दर्जा प्राप्त एक मंत्री के अलावा भाजपा के महानगर पदाधिकारी अरविंद मारवाड़ी का नाम भी सुनाई दे रहा है। मंत्री वह अरविंद मोसेरे भाई हैं, जबकि रमेश चंद उनका मामा है। एक अन्य वीडियो में वह धड़ल्ले से कुछ ऐसा दावा करते हुए सुनाई दे रहे हैं, सुनिए। सबको देखने से पहले पहले अपना देखो, अपने गिरवान में जाके देखो आप, ठीक है? आप उस लड़की को बता रहे हो इंटर पास कर रहा है, आप उसे नहीं छोड़ रहे। बताओ क्या आंटी जी 30 तारीख तक के लिए गई हुई, आ जा मेरे पास। शर्म नहीं आती सर आपको ऐसी बातें करते हुए? शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए आपको। अगर मैं किसी को वॉइस सुनाऊँ तो कोई क्या कहेगा आपको, बताओ। लेकिन कोई नहीं, खैर आपकी मर्जी है। थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, मैंने कहा चल क्या सुनाऊं। तुमने तो मुझसे यूं कहा था कि तेरे अलावा मैं किसी को भी देखूं, अपनी छोटी बेटी की तरह देखूंगा सबको। अब बताओ, छोटी बेटी की तरह सबको ट्रीट कर रहे हो। अब मैं क्या समझूं कि आंटी जी घर में नहीं है, ये छोटी बेटियों से कहोगे क्या? अगर छोटी बेटी पूछे मुझसे कि पापा घर पे आंटी है कि नहीं है, क्या जवाब दूंगा उसका? ये देखूंगा नहीं है। अरे वो मेरी बेटी की रावड़ी है, मैं जिसे बेटी कहता हूँ बेटी होती है वो, जिसे लुगाई कहता हूँ लुगाई होती है। तू है मेरी लुगाई, तुझे कहता हूँ लुगाई, तू लुगाई है, तू है मेरी जान, तू जान है। अब बात करते हैं भाजपा नेत्री की। एसएसपी मेरठ को दिए शिकायती पत्र में उसने आरोप लगाया है कि रविंद्र नागर व अन्य एक अश्लील वीडियो उसका बताकर उसे ब्लैकमेल और बदनाम कर रहे हैं। भाजपा नेत्री ने रिपोर्ट दर्ज कराकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई तो इसमें रविंद्र नागर के साथ ही रविंद्र सिंह का नाम भी जुड़ गया, जो वार्ड 18 से भाजपा पार्षद है। इस बारे में एसपी देहात कमलेश बहादुर ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। स्थिति में थी और उसको वायरल किया गया है, उसमें दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, शीघ्र गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों आरोपी कौन है? ये अभी जो उसमें नाम FIR में लिखा है उन्होंने रविंद्र नागर के नाम से दिया हुआ है उसमें, और दो रविंद्र नागर के नाम से उनको, एक रविंद्र नागर को बाद में उन्होंने एप्लीकेशन दे के और कहा कि एक रविंद्र और हैं जिन्होंने इसको वायरल किया है, उसकी पूरी जांच साइबर सेल के द्वारा भी की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या ये दूसरा रविंद्र किसी राजनीतिक दल से है, किसी पद पे? अभी इसकी जानकारी की जा रही है कि क्या अधिकृत रूप से किसी राजनीतिक दल के हैं या इनके पास क्या पद है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। सर, इन पे रंगदारी का भी मुकदमा लिखा गया था भावनपुर में। ये अगर मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको सम्मिलित किया जाएगा और उसको भी पेशनामे सम्मिलित करके विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए FirstBite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।